हाय ऑल, गुड इवनिंग। आज अपन एक नवीन सेशन स्टार्ट करना रहा हो, फ्रेश बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो टिल नाउ हमने अभी तक बेसिक एक सिंपल प्रोग्राम लिखना सीखा है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है प्रोग्रामिंग की, वो अभी हम कवर करेंगे। एंड वन बाय वन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर करेंगे। So, today's topic is data type data types. Okay. So, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वी रिक्वायर्ड डेटा टाइप एंड विच लैंग्वेज, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड डेटा टाइप। ये बहुत सिंपल है। डेटा टाइप क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा है, जिसे आप लोग डेटा बोलते हैं, जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, इसकी कुछ कैटेगरी होती है, टाइप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका जेपीजी इमेज, ये अलग होता है। नॉर्मल टेक्स्ट, ये अलग होता है। इसी तरह से प्रोग्राम आप जब लिखते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। बट सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये डेटा टाइप हमें क्यों इस्तेमाल करना है, कौन सी लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है और कौन सी लैंग्वेज में नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाइथन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें डेटा टाइप रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए किया जाता है। इसमें डोंट रिक्वायर डेटा टाइप। इसमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती है। अभी किसमें डेटा टाइप की जरूरत होती है? जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसमें डेटा टाइप होने की जरूरत है। मस्ट रिक्वायर्ड डेटा टाइप। अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अब से जो सेशन चालू होगा ये एक प्योर नॉलेज स्किल वाला होगा, जो एवरी चैप्टर में इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी आपकी, डेप्थ होगा इसमें। अगर आपको नहीं समझा तो मैं कंफर्म कर लूंगा आपको क्वेश्चन पूछ के। सो आप अगर मोबाइल से ज्वाइन हो चुके हैं तो आप अनम्यूट होके बात करने के लिए रेडी रहना। लैपटॉप से है तो आपके हेडफोन लगा के रखिए, ये ज्यादा बेटर है। So, मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, इस तरह से आप समझ लीजिए। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है और जावा में
डेटा टाइप की जो लैंग्वेज है ये मस्ट है और पाइथन में रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब मस्ट नहीं है, एज यू विश आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कोई ऐसा मैंडेटरी चीज नहीं है। पाइथन में जरूरत नहीं होती है, जावा में उसके बिना चलेगा नहीं। तो ये डेटा टाइप हम लोग क्यों देते हैं ये समझने के लिए अभी मैं आपको पेंट की स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ एंड मेरे पेंट की जो स्क्रीन है ये ओपन कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सीखा था, इसके लिए हमें रिकैप करना पड़ेगा वेरिएबल्स का, तो उसके आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि हम जब डेटा स्टोर करते हैं, जब प्रोग्राम में हम लोग हमें दो नंबर का एडिशन करना है या कोई कैरेक्टर लेना है, कोई भी प्रोग्राम में जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं पर्टिकुलर हम उसको नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेमोरी में प्रोग्राम में आप कहीं पे डेटा स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिख के दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, 90 INT B = 10 एंड INT C = A+B। ये मैंने सिंपल प्रोग्राम किया है, जैसे ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू A+B है, तो आप लोगों को पता है कि सी में क्या होगा आंसर। फॉर द कंफर्मिंग किसका ध्यान है या किसका नहीं है, हम लोग पूछते हैं श्रीकांत, यस सर। अच्छा याची वैल्यू का आया है, सी की वैल्यू का आया सुना रहा है? हाँ, 100 100 यस, ग्रेट, गुड, मीन्स यू आर हियर। ठीक है, तो आपके पास 100 ये वैल्यू है, जब आप ये वैल्यू ए बी सी इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं तो बैकएंड पे आपकी जो कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें ना तीन ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे रैंडमली कहीं पे भी, ऐसे इस तरह से आपके ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, इस तरह से तीन ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे एंड इसमें ऐसे नेम देंगे हम लोग, ए बी और सी, लेट्स सी। और नेम तो मैंने दिया है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज होगी, ए के अंदर हमने 90 वैल्यू पुट की है और बी के अंदर 10 वैल्यूज पुट की हुई है और सी के अंदर दोनों का जो एडिशन है वो होगा जो कि आपको पता है कि 100 होगा। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ये मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ये जो डेटा है 90 ये एक डेटा है और ये जो मैंने ए ये नेम दे चुका हूँ, ये वाला ए, ये जो नेम है जहां पे मैं डेटा स्टोर करता हूँ उस नेम को वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हो गई जयप्रकाश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, लेट मी नो बड़ी। आर यू? हाँ सर, वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरी वैल्यू स्टोर्ड इन अ मेमोरी ब्लॉक व्हिच इज नेम्ड इज नोन एज अ वेरिएबल। यस, यू कैन से वेयर वी स्टोर डेटा दैट मेमोरी लोकेशन, दैट दैट मेमोरी लोकेशन वी गिव द नेम टू यूटिलाइज इन प्रोग्राम। जहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसे हम लोग कुछ नेम देते हैं, उसे आइडेंटिफाई, उसे यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, एंड वो जो नेम होता है उसे ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल का मतलब है चेंजेस होना, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी या मार्क या सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड दैट नेम कॉल्ड वेरिएबल। अभी इसके अंदर जो डेटा होता है,
ये जो 90 है, फॉर एग्जांपल के लिए ए आपका वेरिएबल है, बी आपका वेरिएबल है, सी आपका वेरिएबल है, जब इसके अंदर का जो डेटा होता है, ओके, जो डेटा होता है उस डेटा को आप क्या कहते हैं, उस जो डेटा होता है उस डेटा को कहते हैं कॉन्स्टेंट। वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं और वो जो डेटा होता है उस डेटा को आप लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं। विच डेटा डेटा वी स्टोर इन मेमोरी लोकेशन लोकेशन दैट डेटा कॉल्ड कॉन्स्टेंट। दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब हम मैं आप लोगों को प्रॉब्लम लिख के दूंगा और उस प्रॉब्लम का आंसर आप लोग बताओगे कि क्या होगा, ठीक है। मैं यहां पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, ओके। सो माइट आई कैन आस्क क्वेश्चन टू मोहिनी एंड अदर वन शुड अलका, सो आई कैन आस्क क्वेश्चन, सो बी कॉन्सेंट्रेट हियर, बी रेडी टू अनम्यूट एंड स्पीक। आई हैव पुट हियर एक्स वाई जी एंड देन आई हैव पुट हियर 45, ओके। ये जो वेरिएबल का नाम है मैं उसको दे देता हूं y, और ये जो वेरिएबल का नाम है मैं दे देता हूं x, और एक वेरिएबल बना देता हूं, मैं प्रोग्राम भी आपको लिख के बता देता हूं। सो ये जो नेक्स्ट वेरिएबल मैंने ड्रॉ किया है ये z है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लेट्स सी, मैंने y में वैल्यू पुट की है x y z एंड x में वैल्यू है 45 जो कि मेरे मेमोरी में दिखा रहा है, और z वेरिएबल में मुझे करना है y इनटू x। सो इसका क्या आंसर होगा, सबसे पहले आंसर का छोड़िए, क्या ये वैलिड है, ये राइट है श्रीकांत सर? ओके अलका, ये वैलिड आहे का? वाय आणि एक्स मल्टिप्लिकेशन होऊ शकतं का? इफ देअर इज सम माइक इश्यू दॅट्स फाईन, यू कॅन पुट इन चॅट। अब्रार क्या ये सही है, जेड में क्या आंसर होगा इसका? तो क्या आंसर आएगा, कितना होगा उसका आंसर? आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू नहीं ना आ गई, यार पुट करना पड़ेगा अपने को, यार तो वन पुट करेंगे तो 45 आएगा, जीरो पुट करेंगे। वाय और एक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, वाय और एक्स का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक एक वेरिएबल में वैल्यू जो है, एक वेरिएबल में वैल्यू एबीसीडी लाइक दैट है और दूसरे वेरिएबल में नंबर है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप वेरिएबल बनाते हो तभी आपको डिसाइड करना होता है कि इस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है, एबीसीडी स्टोर करना है या बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है, ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसका पर्पज ये है कि अगर आप आपके वेरिएबल को रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हो, आप अपने वेरिएबल को अगर बताते नहीं हो कि कौन सा डेटा स्टोर करना है, मैंडेटरी अगर नहीं है, तो
कैलकुलेशन में या प्रोग्राम में आपके इश्यू आ सकते हैं। तो जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट, यानी बहुत सख्त, स्ट्रिक्ट बेस्ड लैंग्वेज, स्ट्रिक्ट है बहुत। मतलब आपको ये मेमोरी लोकेशन में जो भी आप कोई भी मेमोरी लोकेशन जब आप डिसाइड करते हो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे डिसाइड किया है y और अगर आपने यहाँ पे int लिखा है, तो y के अंदर आप xyz डाल ही नहीं सकते। जावा इसे बताएगा कि यहाँ पे आप xyz नहीं डाल सकते, आपको यहाँ पे नंबर ही डालना होगा। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और आपको लगता है कि उस वेरिएबल में सिर्फ नंबर डालना है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, उस वेरिएबल के पहले आपको लिखना पड़ता है कि उस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो तुरंत आपको एरर मिल जाएगा। बट अदर जो लैंग्वेजेस होती है, फॉर एग्जाम्पल जावा छोड़ के, जैसे कि पाइथन, नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट, जो हाई लेवल की अभी जो जावास्क्रिप्ट निकली है, उसमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती। तो फिर वो कैसे काम करता है? देखो, यहाँ पे डेवलपर को देना ही होता है, जावा में डेवलपर को खुद लिखना होता है, लेकिन पाइथन क्या करता है, पाइथन में डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करता है, जो उसका इंटरप्रेटर होता है बैकएंड से ऑटोमेटिकली वो सेंस करता है कि इसके अंदर वैल्यू 10 है और ये नंबर है। लेट्स सी, अगर मैं पाइथन में कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं, हम लोग अभी देख रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लैंग्वेज जो कि, और दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो होती है नॉन स्ट्रिक्ट या लूजली, नॉन स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं आप या लूजली स्ट्रिक्ट कहते हैं उसे। जैसे कि यहाँ पे आपको मस्ट है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है डेटा टाइप, कोई भी वेरिएबल ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको लिखना होता है डेटा टाइप एक्स, तो इसका मतलब है कि इस एक्स के अंदर आपको वैल्यू इंटीजर ही प्रोवाइड करनी है, दूसरी वैल्यू इसके अंदर जाएगी नहीं, स्टोर नहीं होगी। नो स्ट्रिक्ट जो होती है, जैसे कि पाइथन होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स लिखना है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हो ऐसा, तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर जो है वो समझ जाता है कि एक्स के अंदर आप 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर है, तो ये ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन इसे इंटीजर कन्वर्ट कर देता है। बट व्हाट विल बी दिस थिंग, अगर आपका वैल्यू इस तरह से, अगर आपने वैल्यू स्टोर की है, तो क्या होगा, ये जो डबल कोट में वैल्यू होती है इसे स्ट्रिंग कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। तो इस सिनेरियो में जो पाइथन होगा, पाइथन का इश्यू आ जाएगा, एरर आएगा, रन कंपाइल टाइम पे कुछ पता नहीं चलेगा। कंपाइल टाइम पे शुरुआत में डेवलपर को मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट रन होगा तब एरर आना चालू होगा। कोई लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पहले ही जितने भी एरर आ जाएंगे उतने सारे एरर स्टार्टिंग में डेवलपमेंट में ही आ जाएंगे। नॉन स्ट्रिक्ट जो लैंग्वेजेस होती है वो प्रोग्राम बनाने के बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मतलब बन तो गया है पूरा प्रोजेक्ट, रन करने के टाइम पे एरर देती है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपका। तो इसीलिए जहां पे फाइनेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे रिस्क ज्यादा होती है, वहां पे जावा को ही प्रिफेयर करते हैं, और जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे पाइथन या अदर लैंग्वेजेस को प्रिफेयर किया जाता है, ताकि एरर्स भी आ जाए तो लॉस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैंकिंग या फाइनेंस जितने भी डोमेन है, लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सब लोगों को पीओ पता है, बैंकिंग में पीओ पोस्ट किसे पता है, कोई बता सकता है मुझे? ऑफिसर लेवल की है, तो कोई बता सकता है पीओ क्या चीज होती है? एनीबडी हैव आइडिया?
I guess have idea, but don't want to put it here. Okay. So एक professional officers होते हैं finance के लिए जो banking की सब management करते हैं या banking में उनका जो भी काम होता है. अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैनेज करते हैं वो पीओ होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं. तो मैक्सिमम जितने भी बैंक्स है, जैसे कि एनी बैंक, आपकी HDFC हो, SBI हो, एनी बैंक ऑफ अमेरिका हो, वॉट एवर. अभी पीओ की पोस्ट तो बैंक ऑफ अमेरिका में नहीं होगी, ये बात तो अलग है. तो ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेवलपर या इंजीनियर ही बनाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जावा लैंग्वेज से बनाए जाते हैं मैक्सिमम. और इसका रीजन एक ही होता है कि जावा सबसे सेफेस्ट सिक्योर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सेफ और सिक्योर क्यों लैंग्वेज है, मैं आप लोगों को आगे चल के एक प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक वन बाय वन करके. तो जो भी मतलब बैंकिंग जॉब करना चाहता हो, बैंकिंग डोमेन में जॉब करना चाहता हो, लेकिन सैलरी अच्छी होनी चाहिए, तो उसे बैंक में जॉब करना है बट नो पीओ, नो इंटरनल वर्क, नो मैनेजमेंट, डेवलपमेंट में जाना चाहिए. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेप्थ नॉलेज, और ये सबसे सिक्योर होती है. सो ये एक एग्जांपल था बैंकिंग का और नॉन बैंकिंग का. या दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा तो ई कॉमर्स, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उन्हें उतनी जावा की जरूरत नहीं होती है, वो दूसरे लैंग्वेज करते हैं. लेकिन जब उनका पेमेंट का पार्ट आता है, पेमेंट करने का जब, तब वहां पे भी जावा का ही मॉड्यूल उन्हें यूज करना होता है एनी एप्लीकेशन में. और नाउ डेज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि न्यू लर्नर्स गोइंग टू पाइथन, नॉट गोइंग टू जावा. दैट्स व्हाई हु हैव नॉलेज अबाउट द जावा, उनकी ज्यादा डिमांड है इस पीरियड में और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो नए लोग हैं वो सारे या तो पाइथन या सारी सिंपल सिंपल चीजें सीखने में व्यस्त है. तो ठीक है, लेट्स सी. जावा का इम्पोर्टेंस बहुत सारा है और ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो पहले ही, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू अनदर लैंग्वेज. तो नाउ लेट्स टर्न टू द डेटा टाइप. सबसे पहले आपने ये समझा कि कौन से लैंग्वेज में डेटा टाइप का यूज होगा, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस और जावा, एंड नॉन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज पाइथन, नोड या जावा स्क्रिप्ट. ये लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप की जरूरत होती नहीं है, जिसे नॉन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज कहा जाता है. अब हम लोग मूव करते हैं डेटा टाइप. व्हाट इज अ डेटा टाइप, रियल वर्ल्ड में क्या है डेटा टाइप. डेटा टाइप सिंपल, उसके नाम में ही है, विच इट इज कैटेगरी ऑफ डेटा, डेटा लाइक कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वी विल डिस्कस इट, नंबर्स एक्सेट्रा, बुलियन एक्सेट्रा. सो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप जो है ये कौन से टाइप के डेटा टाइप्स है. मोस्टली अब हम डेटा टाइप जावा में ही मोस्टली यूज करेंगे. तो हम लोग लिखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. दो तरह के डेटा टाइप होते हैं. पहला होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव म्हणजे मूलभूत, जे जन्मतः त्याच्या सोबत आलेले आहेत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोबत, जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डेटा टाइप आते हैं, विच डिफॉल्ट अवेलेबल विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
which default available with the programming language, first point. Then second point is that which type we can't change. Next, which size we can't change, यानी कि इसमें क्या स्टोर होगा ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसकी साइज जो है उसकी जो लिमिट है वो लिमिट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये भी ये जो डेटा टाइप होते हैं इसे हम लोग प्रिमेटिव डेटा टाइप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल int int इसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं. सो बेसिकली हम लोग अगर नंबर की बात कर ले प्रिमेटिव में, तो इंट जो नंबर है इसके अंदर नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर स्टोर कर सकते हैं. देन दूसरा जो है, और इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या है, इंट जो है इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, नेचुरल नंबर. मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं इंट, ये पहला हमारा नंबर टाइप है जैसे कि इंट, कैपिटल में लिख देते हैं, वी कैन स्टोर ओनली नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ओके, और आपको पेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको गाइस, एक बार कंफर्म कर लेना प्लीज, स्क्रीन कौन सी दिखाई दे रही है आपको? हाँ, पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं तो क्या होगा कि पता ही नहीं चला कि दूसरा कुछ चल रहा है. ठीक है, तो इंट में क्या स्टोर होता है अब्रार? यस, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक नंबर बताओ. 1, 2, 3, 4. ओके, ग्रेट, गुड. ओके, सो ये जो नंबर है इसमें बहुत सारे है अभी, जैसे कि बीट है, बाइट है, ये सारा चार्ट मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन जो मेन है हम प्रोग्राम में यूज करने वाले उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा. नाउ इसमें क्या स्टोर होगा ये तो आपने देख लिया है, ये स्टोर होगा नेचुरल नंबर. फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से. लेकिन इसकी साइज क्या होगी, मतलब मैक्सिमम इसमें कितने नंबर स्टोर होंगे, तो इसमें नंबर जो स्टोर होंगे वो होते हैं ओनली फोर बाइट. अभी 4 byte का मतलब क्या है, देखो आपको ये मेमोरी का आपको कैलकुलेशन आना जरूरी है कि 1 byte इक्वल टू, ये कैलकुलेशन आना जरूरी है, 1 byte इक्वल टू 8 bit होते हैं. तो अगर मैं 4 byte को बीट में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, मुझे चैट में लिख के बताइए प्लीज. 1 byte में 8 bit होते हैं, तो 4 byte मतलब कितने बीट? जयप्रकाश पुटिन, और कोई है? श्रीकांत, यस 32 होता है. ग्रेट, अभी आप मुझे ये बताओगे श्रीकांत कि ये जो 32 bit है, मतलब ये बाइट, 4 byte मतलब 32 bit है, आपका ये नंबर जो होता है ये प्लस हो सकता है या माइनस 10 भी हो सकता है, प्लस या माइनस. देखो प्लस को आपको तो कोई साइन देने की जरूरत नहीं होती, बट माइनस को आपको इस तरह से साइन देने की जरूरत होती है. ये जो है ये माइनस का जो साइन है, ठीक है, जहां पे आप जो नंबर को आप साइन देते हो, प्लस या माइनस दे सकते हो, उस तरह के डेटा टाइप को साइन डेटा टाइप भी कहा जाता है. साइन ना, क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी पूछते हैं. ठीक है, और इसको
इसको ये जो साइन है, साइन को एक बिट साइज चाहिए होता है लेने के लिए. नाउ आपके पास अभी आपको ये कैलकुलेट करना है कि इंट में मैक्सिमम कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं. मैक्स देखो इसकी साइज जो है 4 बाइट है, आपको मैंने बता दी है, तो इसमें कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं आप, क्या वैल्यू स्टोर कर सकता हूं मैं. लेट्स सी, मान लो मैंने यहाँ पे INT अमाउंट यानी पैसे, तो इसमें मैं कितना वैल्यू डाल सकता हूँ मैक्सिमम, क्या इतना डाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए. जब आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है और आपको ऐसा लगता है कि बैंक से अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो अगर आपने अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया और उसका डेटा टाइप अगर इंट लिया, तो इसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सेट हो सकती है, इसमें स्टोर कर सकते हैं. उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो स्टोर नहीं होगा, आपके लिए कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, आपको कुछ मिल सकता है. तो क्या आपको लगता है कि अगर इंट ये 4 बाइट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी को कोई आइडिया है गाइस? किसी को कोई आइडिया है? जयप्रकाश? यस सर. कैसे फाइंड करोगे कि इंट में कितना मैक्सिमम नंबर स्टोर होगा? सर उसमें 4 बाइट है ना, तो 1 2 3 4 होगा. ओके ओके, और कोई है जो आइडिया लगा सके? हाँ गाइस, ओके. कोई एक है जो इसकी पावर निकाल सकता है? किसी के पास कैलकुलेटर है? 2 की पावर क्या होगी एक बार, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो. मैं रेंज तो वैसे आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको खुद को आना चाहिए कि कैसे आप रेंज कैलकुलेट करते हो. किसी के पास कैलकुलेशन है, मोबाइल है एक्स्ट्रा, तो निकालिए और मुझे कैलकुलेशन करके बताइए प्लीज, या मैं आपको 1 बीट का बता दूं. आप बता सकते हो तो बताइए. सर 2 raised to 8 आएगा ना? ओके हाँ, तो उसका नॉर्मल नंबर में कितना होगा? चलो ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करता, वो भी बता दूंगा मैं आपको, नो वरीज. ठीक है, एट उसका फॉर्मूला मैं दे दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा यहाँ पे. ठीक है, मतलब पहला जो एम है, पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इसकी रेंज बाद में हम निकालेंगे. सबसे पहले ये है कि इंट में क्या स्टोर होगा और उसकी बाइट कितने हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी रेंज के बारे में. दूसरा है आपका डबल. डबल अगर आपको वी कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 10.00, फॉर एग्जाम्पल 25.50, इस तरह के अगर नंबर आपको स्टोर करने हैं तो डबल में स्टोर करते हैं हम लोग. देन इसकी जो साइज है ये है 8 बाइट. इसकी जो साइज है ये 8 बाइट की है. इसकी साइज जो है 8 बाइट की है. नाउ मेजर, अब ये तो नंबर के बारे में हुआ है, नेक्स्ट जो है कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे,
char character. We can store only one char in a variable with single quote का टाइप हो सकता है तो बाद में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे मेंशन करते हो char z equal to let's see a, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करना है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, मल्टीपल कैरेक्टर जैसे कि आपका नाम, तो आपको यूज करना है, तो ये आपको यूज करना है ये वाला डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम, ठीक है। लेकिन ये प्रिमिटिव में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट है आपका, मैं आगे भी बताऊंगा जिस वो आएगा, बुलियन, जिसके अंदर जिसकी कोई साइज नहीं होती। इसकी जो साइज है, ये जो साइज है कैरेक्टर की, इसकी साइज जो रहेगी वो बाइट रहेगी, वन बाइट। और बुलियन में सिर्फ रहेगा ट्रू एंड फॉल्स, इसमें स्टोर कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। इसकी साइज नहीं डिसाइड की जाती, इसकी साइज कभी बताते नहीं। तो सच जब इंटरव्यूअर जानबूझ के पूछते हैं कि बुलियन की साइज क्या है तुम्हारी, सो नॉट एप्लीकेबल साइज इन जावा फॉर बुलियन, दैट्स इट। सो आई एम कीपिंग दिस बी एज ए स्मॉल, दिस बी एज ए स्मॉल, क्योंकि इसका मतलब होता है दिस सी एज ए स्मॉल। तो ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव मतलब जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आ चुके हैं, जिसकी साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फिक्स साइज है। नेक्स्ट है कि उसमें क्या स्टोर करेंगे, इंट टू इंट ही स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। और नंबर में बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल है, जैसे लॉन्ग है, फ्लोट है, शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, बहुत सारी वेराइटीज है। मैं आपको उसका चार्ट दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है यूजर डिफाइंड टाइप। देखो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, पहला प्रिमिटिव जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है, दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड, यानी कि डेवलपर खुद नया डेटा टाइप डिजाइन करता है, उसके अंदर क्या स्टोर करना है, उसकी साइज क्या होगी, ये खुद डेवलपर डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस तरह का जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एरे क्लास स्ट्रिंग, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एरे में क्या स्टोर करना है, एरे की साइज कितनी होनी चाहिए, क्लास का नाम क्या होना चाहिए, क्लास में क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग की साइज क्या है, स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ये सारा डेवलपर डिसाइड कर सकता है, इसीलिए इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। That's correct. So now turn to question answer. Ashish, you become bit late, buddy. So we'll start with you. Ashish, तुला याच्यामध्ये काय नवीन आहे, काय जुना आहे, तुला काय कळालं याच्यामध्ये, वा कुठे मिस केलंस तू हे? You can. मी ऍक्च्युली आता जॉईन झालोय 10 मिनिटं. ओके आपण चेंज करू शकतो, म्हणजे आपण अरे क्लास स्ट्रिंग मध्ये आपण आपल्या व्हॅल्यूज वगैरे टाकू शकतो, त्यानुसार त्याचा साईज वगैरे डिसाइड करू शकतो. ओके ग्रेट, म्हणजे तू लेट होऊन पण सर्व काही समजून गेलास, ठीक आहे, ग्रेट, नो वरीज. नेक्स्ट मोहिनी अवेलेबल आहात का?
मोहिनी अनम्यूट होऊ शकता, डिस्टर्बन्स नसेल तर सांगू शकता की काय समजलं याच्यामधून. अब्रार आपको क्या समझा? सर डेटा टाइप समझे दोनों की, ज्योमेट्री और दूसरा डिफरेंट डेटा टाइप, और उसमें क्या स्ट्रक्चर क्या नहीं हो सर. ओके ग्रेट गाइस गुड, बढ़िया है. तो अभी मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एक प्रोग्राम राइट करके कंपाइल करके रन करके दिखाऊंगा, ठीक है? मेरी आपको ये जो स्क्रीन है नोटपैड प्लस प्लस की, ये आपको दिखाई दे रही है? कंफर्म कीजिए. यस सर. यस सर. हाँ, तो सब में ऑल इसमें आपको लिखना होता है पब्लिक क्लास, और आपको जो भी एग्जांपल लिखना है, आपको जो नाम देना है आप दीजिए. मुझे इसका नाम देना है डेटा टाइप एग्जांपल, डेटा टाइप एग्जांपल. ये मेरा क्लास यहाँ पे स्टार्ट, और देखो मैं क्लास यहाँ पे एंड भी कर देता हूँ. उसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string arguments parenthesis close curly bracket open curly bracket close. तो मुझे जो भी प्रोग्राम करना है इसके अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना. तो देखो मैंने यहाँ पे लिया int x equal to 100, then मैं यहाँ पे लेता हूँ double, यहाँ पे कुछ वैलिड नेम ले लेता हूं, सब्जेक्ट वन, डबल टोटल मार्क्स या टोटल कैरेक्टर डिवीजन ए या बी या सी जो भी है, आई एन टी सब टू 45. यहाँ पे टोटल का हम लोग करते हैं टोटल लेट्स सी सब वन प्लस सब टू, ये टोटल करते हैं, और ये डिवीजन को हम लोग इस तरह से मेंटेन करते हैं. दैट्स इट. तो यहाँ पे आपका ये जो है ये बनता है आपका इंटीजर. मैं यहाँ पे आपको और भी दूसरा कुछ दे देता हूँ, एवरेज लेट्स सी उसका एग्जांपल देते हैं 44.25. ये एक एग्जांपल है, आपको ये प्रोग्राम में सिंपली यहां तक ठीक है बुलियन अगर पास है, अगर कोई स्टूडेंट पास है इज पास्ट, इज पास लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, यानी कि यस ये पास है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट वन मार्क, और वो प्रिंट कर देते हैं सब वन. दैट्स इट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देन सब्जेक्ट टू का मार्क्स, यहाँ पे आप प्रिंट करो सब टू, देन लास्ट में आप प्रिंट करोगे इनका जो भी डिवीजन है, आप डिवीजन कर लो प्रिंट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिवीजन. Div
इनका एवरेज आप प्रिंट कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखो एक ही चीजें है, प्रिंट या प्रिंट एलन, आप दो भी कुछ भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरा जी आ चुका है, एवरेज यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो चुका है डेटा टाइप का, जिसमें हमने इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। अभी देखो मोस्टली कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमें मोस्ट ऑफ द करके ऐसा लिखना होता है क्लास ए। जब एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो आपको इसे कैर से कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में लिखना होता है, तो स्ट्रिंग आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, इस तरह से लिखते हो। लेकिन स्ट्रिंग ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो यूजर बनाता है। इसका मतलब ये है, और सिंगल कोट के बजाय इसमें डबल कोट लिखना होता है स्ट्रिंग में। और इसकी साइज जो होती है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, इसीलिए ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये बना दिया आपने यहाँ पे, मैं इसे सेव कर देता हूँ मेरे ड्राइव में, जो एक फोल्डर बनाया है उसमें सेव कर देता हूँ। और सेव करने के लिए आपने जो क्लास का नाम लिया है ना, वही नाम आपको लेना है, सेम नाम लेना है। JBPL09 पे है, सेव करते हैं इसे वही नाम से, डॉट जावा। बस आप अपने कोई भी फोल्डर में सेव कीजिए इसे, और उस फोल्डर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मैं आपको ऑलमोस्ट, आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको फोल्डर दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने वो फाइल को सेव किया है। फाइल को सेव करने के बाद आप यहाँ पे ये जो आपकी URL है, यहाँ पे लिखिए CMD। जैसे ही आप CMD लिखोगे, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन होगा, ये वाला ओपन होगा, आपको पाथ दिखेगा आपके फोल्डर का नाम। यहाँ पे आपको करना क्या है, उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, लिखना है जावा, कंपाइल करने के लिए जावा सी, और डेटा टाइप आपका फाइल का नाम है डेटा टाइप एग्जाम्पल डॉट जावा, आप इंटर कर दीजिए। देखिए कितने एरर आते हैं, अगर एरर नहीं आते हैं तो ब्लैंक दिखाई देगा, नेक्स्ट ब्लैंक हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं है। फिर उसके बाद आप रन कीजिए, रन करने के लिए जावा डेटा टाइप एग्जाम्पल और इंटर कीजिए। तो देखो आपको सब सब्जेक्ट जो आपकी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू डिवीजन एक दिखाई देगा। अब ये सब एक लाइन में आ चुके हैं, इसका रीजन है एक लाइन में क्यों आया है, क्योंकि हमने प्रिंट लिखा हुआ है अपने प्रोग्राम पे प्रिंट। अगर एक एक लाइन नीचे आना चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट एलन लिखो, वो नीचे लाइन पे आ जाएगा, नीचे नीचे प्रिंट होगा, आप एलन लिखो, हर लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी आपकी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, वापस से कंपाइल कर लेते हैं हम लोग वहां पे जाके। ये देखिए जावा सी डेटा टाइप एग्जाम्पल डॉट जावा, और वापस से रन करते हैं। रन करने के लिए आपको देना पड़ेगा जावा डेटा टाइप एग्जाम्पल, देन हिट इंटर, एक के नीचे एक आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे दिखाई देगा, ये डेव जो है क्लास ए दिखाई देगा इस तरह से। तो आज आपने समझा है कि क्या है डेटा टाइप। दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है,
सर बुलियन का फिर से एक्सप्रेस